हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, अ वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टेक गुरुजी। इस वीडियो में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ बिहार, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में जो एडवर्टाइजमेंट नंबर 2/2019 है, अमीन की पोस्ट है, उसका एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे आपको। क्या कट ऑफ हो सकती है, सिलेक्शन प्रोसेस कब तक होगा, कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट को काउंसलिंग में कॉलिंग आएगी, ठीक है। क्योंकि इसमें जो डिग्री थी वो मांगी थी अमानत की डिग्री या फिर सर्वेक्षण में डिप्लोमा, ठीक है। जैसे कि आपको दिखा सकते हैं एडवर्टाइजमेंट पे, तो जो इसमें क्वालिफिकेशन मांगी थी कि आईटीआई से सर्वेक्षण, सर्वेयर में प्रशिक्षण में सफल या फिर सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से अमानत की डिग्री, और 22,000 रुपये यहाँ पे मानदेय हैं, और पहले साल में हर महीने 4,000 रुपये आपको लैपटॉप खर्च के लिए मिलेंगे, क्योंकि लैपटॉप आपको अपना खरीदना पड़ेगा, और उसके बाद हर एक साल के बाद हर महीने आपको 400 रुपये मिलेंगे इंटरनेट खर्च के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको पहले भी क्लियर कर दिया है, रिपीट बता दिया मैंने, ठीक है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस मैं बता देता हूँ। तो जी, इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, पहले तो ये जान लीजिए, नियोजन से 31 मार्च 2020 तक का नियोजन है, उसके बाद एक एक करके एक एक साल बढ़ाया जाएगा, ठीक है। चयन प्रक्रिया की बात कर लेते हैं। मैट्रिक एवं सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से अमानत की डिग्री या आईटीआई से सर्वेयर से प्राप्त प्रशिक्षण प्राप्तांक के आधार पर मैट्रिक के अधिकतम 10 अंक का वेटेज और आईटीआई सर्वे का अधिकतम 90 अंक का वेटेज है, ठीक है। तो जिस इसमें देखिए, जो वेटेज है मैट्रिक का 10% है और आईटीआई का 90% वेटेज है, उसके आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो इसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है जनरल के लिए, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ अमीन के लिए है वो अप्रॉक्सीमेटली आपका जाने वाला है 71%। ये जनरल की बात कर रहे हैं, पूरा कैलकुलेशन के बाद, क्योंकि जो अमीन है, अमीन में नंबर ऑफ फॉर्म बहुत कम पड़े हैं, और स्पेशली बिहार राज्य से बहुत कम अमीन के फॉर्म पड़े हैं, तो इसकी 71% अप्रॉक्सीमेटली प्लस माइनस 2% यदि आपका है तो आपके चांसेस मैक्सिमम है जनरल कैटेगरी में। और अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो अमीन में गर्ल्स की परसेंटेज अप्रॉक्सीमेटली 68% पे गर्ल्स के कट ऑफ बनने की है, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट बहुत ज़्यादा है, जितने कैंडिडेट सर्वेयर में करते हैं आईटीआई उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर गवर्नमेंट वाले हैं तो वो तो बहुत जल्दी हो जाएंगे सर, ठीक है। बाकी अगर मैं एससी की कट ऑफ बताऊँ अमीन की, तो अमीन की जो एससी की कट ऑफ होगी, ठीक है, एससी की कट ऑफ जो अमीन की होगी वो अप्रॉक्सीमेटली 69 होगी, एसटी की 68%, ठीक है, और ओबीसी की कट ऑफ आपकी 70% होगी, ठीक है। और मैंने जनरल की बता दी है 71%। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये कैलकुलेशन किया गया है कि अमीन के नंबर ऑफ फॉर्म कितने पड़े हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज में कितने परसेंटेज आते हैं, उसके बाद आपके प्राइवेट कॉलेज में कितनी जगह इंस्टीट्यूट है, उनमें परसेंटेज का कैलकुलेशन करने के बाद ये स्पेशली बिहार राज्य के लिए बनाया गया है। और बाकी जो इसका काउंसलिंग में है, जैसे आपकी पोस्ट 550 है तो नंबर ऑफ कॉलिंग कितनी आएंगी, तो आपकी जो अमीन है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 2 times कॉलिंग आएगी काउंसलिंग के लिए, मीन्स आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आएगा उसकी कॉलिंग 2 times आएगी। जो NIC आपकी वैकेंसी करा रही है, तो वैकेंसी जब फुलफिल होगी, इसका एक्सपेक्टेड जो डेट आ रहा है वो आ रहा है कि अप्रैल लास्ट और मई, क्योंकि अप्रैल लास्ट में इलेक्शन है आपका बिहार में, ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग है, लेकिन मई, मिड ऑफ मई तक आपका इसका फाइनल आपको मिल जाएगा, काउंसलिंग लेटर आपके मेल पे आ जाएगा, आपके मोबाइल पे टेक्स्ट आ जाएगा, और मैं भी आपको अपडेट कर दूंगा कि क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं काउंसलिंग में लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, ठीक है। तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा, कैसे जाना है, क्या वेरीफाई होगा, सब कुछ बता दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो बस ये आपको मैंने शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए। सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, विश यू बेस्ट ऑफ लक।